दोस्तों आज बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उनका ये पूरा प्लान होने वाला है। ये मॉडल जो आप देख पा रहे होंगे, इसका फ्रंट 20 फीट है और अगर हम साइड की बात करें तो 40 फीट है। लेकिन 40 फीट के अलावा, मतलब 20 फीट के अलावा, इस साइड में इनका कुछ चीज़ निकला हुआ है, लेट बाद वगैरह। मैं अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि इनका ऑलरेडी यहाँ पर ज़मीन है पीछे, जहाँ पर ये आपकी स्टेयर्स लगी हैं, यहाँ पर इनका ग्राउंड वगैरह है। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल क्रिएट किया हुआ है। 20x40 फीट में है, 800 स्क्वायर फीट में, थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा है जो मैंने कवर्ड किया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट इसी टाइप की है, आपका भी प्लॉट 20x40 का है, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। ग्रिल वगैरह आप देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन सी मैंने यहाँ पर मैनेज की है। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा लाइव करके, पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपने अभी तक इस स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मार्ट हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जूम करके मैं इसी प्लान को दिखाना चाहूँगा। इसके ग्रिल का आप डिज़ाइन पहले से देख लें। ग्रिल जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की, इस टाइप की ग्रिल इस्तेमाल की है। और यहाँ विंडो का डिज़ाइन देखिए कि विंडो पर फ्रेम भी लगा हुआ है। और ये मेन डोर है, जो मेन डोर है वो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें, ये यहाँ पर दोस्तों मेन डोर के जस्ट साइड में मैंने स्टेयर्स क्रिएट की हैं, उसी को स्टेयर्स में ये पूरा गुमटी बना हुआ है। स्टेयर्स से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ग्लासेस को मैंने यूज़ किया है, ये कुछ डिज़ाइन के पर्पज़ से, ये आपका रूट है। बात करें साइड की, तो इधर इनका ग्राउंड वगैरह है, तो यहाँ पर अपना इसलिए एक डोर दिया है जिससे अंदर जा पाएंगे। और साइड की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने वेंटिलेशन के लिए चीज़ें और क्रिएट की, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। इस साइड इनकी जगह है, इसलिए यहाँ पर ग्रिल भी मैंने यहाँ पर बना रखी है, क्योंकि इनकी खुद की ये ज़मीन है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए इनका फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों। मैं पहले टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ, इसे चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ये देखिए बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, और जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनी हुई हैं। देखिएगा, आपको मैं ऊपर से दिखा दूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, कहाँ पर क्या बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, देख पा रहे होंगे आप। तो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर एक बेडरूम, इसलिए यहाँ विंडो दिया है विथ फ्रेम के। ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाते हैं। देखिए स्टेयर से आप इधर से चढ़ेंगे, टर्न होकर बाहर आएंगे। अब जब आप मेन डोर लगवाइएगा ना, तो बहुत ही ध्यान से लगवाइए, क्योंकि मेन डोर, क्योंकि स्टेयर भी आपकी कुछ सटे से लगी हुई हैं और वहाँ पर स्पेस भी कम, तो मेन डोर आप बहुत ही ध्यान से लगवाइएगा कि आप अंदर खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते, नहीं तो आपका अंदर फंसेगा। तो आप जब भी घर बनवाएं ये वाला प्लान, तो अपने मिस्त्री से एक बार ज़रूर बात करें। इसके बाद अंदर जाते हैं तो आपको देखिए एक ये यहाँ पर बेडरूम में डोर मिल जाता है, जिससे आप एंट्री कर पाएंगे गेस्ट रूम। तो यहाँ पर देखिए डोर से आप पाएंगे बेडरूम, इसके बाद फिर से आप यहाँ पर एक डोर दिया जिससे आप चले जाएंगे अंदर। लेकिन मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे, और यहाँ पर एक विंडो दिया, क्योंकि ये पूरा किचन का एरिया है, इसलिए यहाँ पर विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए। आप इस डोर से अंदर जाते हैं तो आप डाइनिंग हॉल में पहुँच जाते हैं। ये एरिया पूरा आपका ओपन रहेगा, यहाँ पर आप आंगन समझ सकते हैं, डाइनिंग हॉल समझ सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे समझ सकते हैं। इसके बाद ये आपको एक बेडरूम और मिल जाता है, इसके लिए मैंने डोर यहाँ से दिया है, विंडो यहाँ से दिया है। इसके बाद ये आपका किचन है, देखिएगा किचन आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, या किचन के एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका जैसे आप इधर जाते हैं तो ये इनका शायद स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है, और इसका ये इनका लेटन बाथ यहाँ पर बना है। यहाँ से भी मैंने एक डोर दिया है जिससे आप इनका पार्क है जहाँ से बाहर आ सकें। और बात करें यहाँ पर देखिए कि ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने थोड़ा सा हटके दे दिया है, जिससे आपका घर और खूबसूरत लगने लगे। यहाँ वेंटिलेशन है, यहाँ भी वेंटिलेशन है, और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया मैंने कवर्ड किया है 20x40। बस एक्स्ट्रा आपका एरिया ये जो बाहर को निकला है, ये आपका बाद बाकी 20x40 फीट का मकान पूरा ये बनकर रेडी हो जाता टू बेडरूम के साथ। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं और मैक्सिमम जूम कर देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक वीडियो समझ में आ जाए। ये देखिए मेन डोर है, उसके ऊपर आपका ये जाल लगा हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं। ऐसा सारी चीज़ें आप बहुत ही क्लियर कट मैंने क्रिएट कर रखी हैं। बात करते हैं इसके फर्स्ट,
तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है, जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो ये पूरा स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे, यहाँ से डोर दिया पूरे छत पर पहुँच पाएंगे। इसके बाद अपने ग्रिल वगैरह का देखिए, यहाँ पर ग्रिल वगैरह का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन। मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप जब भी बनवाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मिस्त्री को आप फिर मॉडल दिखाइएगा और आपको मॉडल मिलेगा। ये जो रेड ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी लगी, ये दोस्तों पीओपी का डिज़ाइन है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कारीगर को कैसे बनवाते हैं। तो ये पूरा छत है और ग्रिल वगैरह आप देख पा रहे हो, सारी चीज़ें मैंने क्लिक कर दी आपके सामने। और यहाँ पर लास्ट में ये गुमटी जो बना है ना, ये आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए कमरा टाइप का जो नीचे बना था, एक साइड आपका देखिएगा यहाँ पर येलो कलर का मैंने थोड़ा डिज़ाइन दे दिया और वहीं पर यहाँ पर दो ग्लासेस लगा दिए, इससे प्रॉपर और लुक बढ़ जाए, आपका डिज़ाइन बढ़ जाए। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो यहाँ पर सिर्फ बस मैंने छत बना दी है, बाद बाकी सारा प्लान वही है। तो अगर आपको प्लान हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 20x40 का बेहतरीन सा मॉडल 800 स्क्वायर फीट में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।